जय हिंद दोस्तों। तो फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में, और हम पढ़ने वाले हैं अनुपात और समानुपात का पार्ट नंबर चार पढ़ने वाले हैं। अनुपात और समानुपात का पार्ट नंबर चार पढ़ने वाले हैं। इससे पहले पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री पढ़ चुके हैं। यदि वो आपने वॉच नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप अपने इस चैनल पर जाकर भी आप देख सकते हैं। और गाइज, आप सभी को पता है कि आपको ये जो क्लासेज चल रही है वो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। आपकी जो क्लासेज डेली आती है वो आपको पता होगा शेड्यूल का, कि गाइज लगभग थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है, लेकिन आपको फिक्स लगभग 2 बजे मैथ की क्लास होती है, और उसके बाद में आपकी 5 बजे इंग्लिश की क्लास आती है, ठीक है। और फिजिक्स के लिए आपको अन अकेडमी पर लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में जाकर, वहाँ पर आप जाकर उस सर को फॉलो कर लीजिएगा, दिनेश सर को। लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में किया हुआ मिल जाएगा। जीके और जनरल साइंस के क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, उसके लिए भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है गाइस, ठीक है। और अपनी तैयारी को अच्छे से अच्छे बनाइएगा। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। हम आ रहे जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो भी हम करने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है। पर्सन जो बचे हुए हैं वो करने वाले हैं। मैंने काफी आपको पर्सन दिए हैं, वो भी आपने किए तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा गाइस, ठीक है। क्वेश्चन आपका है, दूध व पानी को 1:1 में मिलाने पर नए मिश्रण का अनुपात जो है ज्ञात कीजिएगा, ठीक है। पहले का जो अनुपात ये दिया गया है, दूसरे का अनुपात ये, दूध और जो पानी का अनुपात है वो हमें यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इस प्रकार लिखा है कि दूध और पानी का अनुपात पहले बर्तन में 6:1 है और दूसरे में 3:4 है, और दोनों को इनको क्या होता है 1:1 में मिलाने पर इसे नया जो मिश्रण बनेगा उसका अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि 6:1 और 3:4 है, तो हम सेम वही लिखेंगे, 6:1 और 3:4। अब इनका टोटल करते हैं गाइज, यहाँ पे मैंने आपको बताया था टोटल यहाँ लिखते हैं, टोटल 7 हो जाता है और इसका भी 7 हो जाता है, तो इसको हमें किसी संख्या से गुणा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यदि समान मात्रा में बोला जाए ना कि समान मात्रा में मिश्रण बनाना है नए अनुपात ज्ञात करने के लिए, तो हमेशा ही उन दोनों के योग को हमें बराबर करना पड़ता है किसी भी संख्या से गुणा करके। लेकिन यहाँ पहले से ही योग बराबर, इसका भी 7 है और इसका भी 7 है, तो हमें किसी भी संख्या का गुणा करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें डायरेक्ट हम जोड़ देंगे, 6+3 1+4, यानी 6 3 9 हो जाएगा आपका, और 9:5। बहुत ही इजी सा कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है गाइज, ये आपका 9:5 यहाँ पे हो जाएगा, ये एकदम बिल्कुल सही आंसर यही होगा आपका गाइज, ठीक है। तो इस प्रकार से अनेकों प्रकार के आप क्वेश्चन कर सकते हैं इजी टाइप के, ठीक है, और आपको लेवल भी अपग्रेड कर दिया जाएगा गाइज, ठीक है। इसमें कोई भी आपको क्वेश्चन से संबंधित रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स होती है तो आप बता सकते हैं। फिर आपका क्वेश्चन आता है, दो बर्तनों में समान मिश्रण भरा हुआ है, दो बर्तनों में समान मिश्रण भरा हुआ है, दूध व पानी का अनुपात, दूध व पानी का अनुपात क्रमशः 8:5 है, ठीक है, 8:5 है, और आपका क्या है 3:10 है, दो बर्तन है, ठीक है। दोनों को मिलाने पर नया अनुपात ज्ञात कीजिए गाइज। अब इसने बोला है कि दोनों को मिलाने के बाद में आपका नया अनुपात ज्ञात कीजिए, यहाँ पर और कुछ भी हमें नहीं दिया हुआ है, ये बस इतना बोला हुआ है कि समान मिश्रण भरा हुआ दोनों बर्तनों में, ठीक है, और दूध व पानी का अनुपात हमें दिया गया क्रम से 8:5 और 3:10 है, तो दोनों को मिलाने पर जो नया अनुपात बनने वाला है गाइज वो हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। क्या करना है, नया जो अनुपात बनने वाला है वो हमें ज्ञात करना है। तो सेम वही प्रोसेस रखते हैं हम, तो दूध और पानी का यहाँ पे लिखते हैं, दूध और पानी जो फर्स्ट बर्तन था, सेकंड बर्तन था, यहाँ पे लिख लिए है, और अपना यहाँ पे टोटल कितना है वो भी हम यहाँ पे लिख लिए है। उसके बाद में क्या करते हैं, यहाँ पे 8, 3, 5 और 10 ये जो अनुपात हमने लिख दिया। अब 8, 5 कितना होता है, मैंने टोटल करके यहाँ बताया था आपको 13 होता है, 3+10 भी 13 होता है, तो इस दोनों को अनुपात को हमें किसी भी संख्या का गुणा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये भी अनुपात 13 है और ये भी यहाँ इसका योग क्या है 13 आ रहा है दोनों का। यदि 13 नहीं होता इसका अलग होता है एक का, तो इसको हम गुणा करके बराबर करना पड़ता दोनों को, ठीक है। यहाँ से दोनों का अनुपात क्या है, बराबर है 13, तो यहाँ पे 13 बराबर आ गया, तो गाइस हमें कुछ भी नहीं करा, डायरेक्ट कंसेप्ट मैंने बताया हुआ है कि 8+3 कर दीजिएगा, यहाँ 5+10 कर दीजिएगा, 8+3 आपका हो गया 11 और 10+5 15 हो गया, ठीक है, 11:15 इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस, ठीक है। डायरेक्ट बस ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं, आप सोचते होंगे कि हार्ड आते हैं, एयरफोर्स में इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है, और नेवी MR के अंदर तो इससे भी इजी क्वेश्चन आते हैं। दूध व पानी दोनों को 1:1 में मिलाने पर नया अनुपात याद करो, दोनों को 1:1 में मिलाने पर नया अनुपात ज्ञात करो, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, दोनों को 1:1 में हमें मिलाना है, तो नया अनुपात ज्ञात करेंगे हम, जो यहाँ पे दिया गया है 7:5 और 7:9 हमें दिया गया है, और इन दोनों को 1:1 में, यानी दोनों को समान मात्रा में मिलाना है। तो जब तक आपको ऐसे बोला जाता है 1:1 या समान अनुपात में मिलाना है, तो हमें समान इसको समान करना पड़ेगा दोनों को, जैसे आगे कंसेप्ट में पढ़ेंगे अभी इसी क्वेश्चन के अंदर, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है गाइस। तो हमने यहाँ पे अनुपात लिख दिया 7 और 5, 5 और 7 और 9 इसका, फर्स्ट और सेकंड बर्तन का। इस अनुपात को लिखने के बाद में हम इसका
इसका हम यहाँ पे टोटल कर देते हैं गाइस, ठीक है। 7 + 12 5 = 12, सॉरी 7 + 9 = 16। अब ये दोनों अनुपात 1:1 में मिलाने हैं, तो दोनों का अनुपात बराबर नहीं आया, हमें पता है इसका 12 है और इसका 16 है, तो इसको किस संख्या से दोनों को गुणा करें कि हम बराबर हो जाए। यदि 12 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 48 हो जाता है, और 16 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 48। तो इन दोनों को ही हमें यहाँ से गुणा करना पड़ेगा इस पूरी दोनों अनुपात को, तभी ये क्या होगा, बराबर आंसर आएगा। समझ गए होंगे आप इसको यहाँ पे, ठीक है। तो गाइज इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, इनका अनुपात हमने बराबर कर दिया है। अब 1:1 बोल दिया जाए या समान अनुपात बोल दिया जाए, तब हमें ऐसा ही करना है, हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। आपको हमेशा ही क्या करना है, ध्यान यही रखना है कि ये बराबर जब बोला जाए तो बराबर करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब 48 हो गया दोनों का अनुपात, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको 3 से गुणा करके, ऊपर वाले को 4 से और इसको 4 से गुणा करेंगे, इसको 3 से, और यहाँ पे जो अनुपात है इसको हम जोड़ देंगे। देखिएगा गाइज, 7 × 4 = 28 और 7 × 21 28 + 21 आपका 49 हो गया, ठीक है। 5 × 4 = 20, 9 × 3 = 27, 20 और 27 हो गया 47। जो नया अनुपात बन के आया गाइज वो है आपका 49:47, ठीक, कितना है 49:47 आया, ठीक है। 49:47 आपका जो अनुपात यहाँ पे, नया जो मिश्रण हमने जो तैयार किया था 1:1 में नए बर्तन में डाला था, उसका अनुपात 49:47 आ चुका है, ठीक है गाइज। इस प्रकार से अनेक क्वेश्चन कर सकते हैं, और इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 बर्तनों में दूध व पानी का अनुपात 1:2 व 2:3 व 2:1 है, तो तीनों बर्तनों को समान मात्रा में मिलाने पर नया अनुपात ज्ञात कीजिए। गाइज यहाँ पे 3 बर्तन दिए गए हैं, इस बार कितने दिए गए हैं, 3 बर्तन यहाँ पे दिए गए हैं, और तीनों का हमें अनुपात भी दिया गया है, और ये क्या कह रहा है, तीनों के जो अनुपात है इनको हम समान मात्रा में मिलाएंगे, जो तीनों की समान मात्रा में मिलाकर एक नया जो अनुपात है नए मतलब बर्तन में डालेंगे, तो जो अनुपात बनेगा नया अनुपात वो हमें ज्ञात करना है। जो हम तीनों को मिलाएंगे, मिलाकर हम एक नया जो बर्तन के अंदर मिश्रण डालेंगे उसको भी मिश्रण इतना ही मिलाना है कि तीनों की मात्रा समान हो, तो जो एक नया अनुपात होगा उसको हमें ज्ञात करना है। हम वही प्रोसेस रखेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। जो पहले लिखते हैं, पहले बर्तन का जो अनुपात है 1:2 है, और दूसरे का 2:3 है, और तीसरे का 2:1 है, तो अब इनका टोटल करेंगे हम। टोटल करेंगे तो इसका क्या हो गया आपका, 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया, 2 + 3 यहाँ पे 5 हो गया आपका, और 2 + 1 वापस 3 हो गया। अब इसका तो आपका 3 आया, इसका 5 आया, और इसका 3 है, ये दो तो सेम है लेकिन ये सेम नहीं है, तो इन तीनों को सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 × 5 इसको करेंगे तो 15 हो जाएगा, और 5 को किस से गुणा करें, 15 हो जाए, 5 को 3 से गुणा किया तो 15 हो गया, और 3 को वापस 5 से गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा। अब तीनों को समान मात्रा में बोला गया है, तो तीनों को समान मात्रा में आ गया है, क्योंकि इसका क्या, ये पहले वाला भी 15 हो गया, दूसरे वाला भी 15, और तीसरे वाला भी हमारे पास यहाँ पे 15 हुआ है। तो 15 कब आया कि हमने इसको किस से गुणा किया, पहले को हमने किस से गुणा किया, 5 से गुणा किया, तो 5 × 5 = 5, 5 × 10 नया अनुपात 5 = 10 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और जो दूसरा अनुपात था इसको हमने 3 से गुणा किया, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, और 3 × 3 = 9, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 और 9। और तीसरा अनुपात की बात करें तो तीसरा अनुपात क्या हो जाएगा, इसे इसको हमने 5 से गुणा किया, 5 × 2 = 10 हो जाएगा, और एक को गुणा किया 5 से तो हो जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ पे ये नया अनुपात तैयार हो गया। अब नया अनुपात तैयार हो गया तो डायरेक्ट हमें तो इसको जोड़ना है, ठीक है, 5, 6, 11 हो गया, 11 और 10 आपका क्या हुआ, 21 हो गया, 21 हो गया। इसी प्रकार इधर वाले को ऐड कर देते हैं, 9, 5 = 14 और 14 + 10 हो गया आपका 24 गाइस, ठीक है। ये अनुपात बनकर तैयार कितना हो गया, 21 आपका हो गया 24, ठीक है। तो ये आपका कैंसिल हो रहा है 3 के गुणज से, 3 × 7 = 21 और 3 × 8 = 24, ठीक है, इसे भी काट सकते हैं, 3 × 7 = 21, 3 × 8 = 24, तो 7:8 आ गए हैं, या 21:24 भी आप लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है गाइज, ठीक है। यदि कैंसिल होता है तो उसको काट सकते हैं, और ये ऑप्शन में है, यदि 7:8 या 21:24 जो आप अपनी आवश्यकता अनुसार उसके वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं गाइज, ठीक है। दोनों ऑप्शन कभी नहीं होंगे, एक ही ऑप्शन होगा गाइज, ठीक है। तो इस प्रकार आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उस बार हमारा लेवल थोड़ा सा अलग होगा और इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है गाइज, ठीक है। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं इस नेक्स्ट प्रश्न को, और जो आपको कहीं पर भी डाउट आता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि ये क्वेश्चन हमें नहीं आया, ठीक है, तो आपको इसका एक्सप्लेन भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और नोट्स बनाइएगा गाइस, ताकि आपको इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। दूध व पानी का जो अनुपात दिया गया है, दोनों को जो आपका अनुपात दिया गया है यहाँ पे दिया गया है 5 व 3 और 1 और 7 है,
ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे लिखा है। अब इस क्वेश्चन को आप कंफ्यूज मत होना, मैं आपको बताया नहीं, मैंने आपको जो ये इतना क्वेश्चन पहले लिखना है, ठीक है। दूध व पानी का जो अनुपात है, शॉर्टकट करने के लिए लिखा है मैंने, दूध व पानी का जो अनुपात है, पहले बर्तन में 5:3 है और दूसरे में 1:7 है, तो दोनों को नए बर्तन में 2:1 में मिलाना है। यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल मैंने कहा था ना आपको, चेंज कर दिया गया है, क्योंकि पहले क्या आ रहा था, 1:1 यानी समान। तो गाइज यहाँ पर इस बार क्या किया गया, 2:1 में आ गया, ठीक है, 2:1 में आ गया। तो यानी पहले को 2:1 लेंगे, एक दूसरे का 1:1 लेंगे। यदि ये हम 10 ले रहे हैं तो इसको हमें 20 लेना पड़ेगा, बस कहने का अर्थ यही है, ठीक है, 2:1 में लेना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले वो सेम प्रोसेस वही रहेगी जो हम पहले करते आ रहे हैं, पहले का लिखेंगे, दूसरे का जो अनुपात है वो हम यहाँ लिख देंगे, 5:3 और 1:7, ठीक है। अब इसका हम टोटल करेंगे तो 5:3 8 और 1:7, यहाँ पर अनुपात तो बराबर आ गया, लेकिन इस बार क्या बोला है कि उसने की का आपको क्या बोला है, 2:1 में बोला। यदि 1:1 यहाँ पर बोलता, ध्यान देने की बात है यहाँ पे गाइस, ठीक है, यदि यहाँ पर आपको 1:1 बोलता ना, तो आप हमें कोई भी किसी संख्या से गुणा करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमें बोला है कि 2:1 यानी पहले को 2 से गुणा करना है और दूसरे को 1:1 से गुणा करना है, तो हम इसको गुणा कर देते हैं, ठीक है, 2 से, 2 × 5 आपका हो जाता है 10 यहाँ पे, ठीक है, और 2 को 3 से गुणा करते हैं तो ये हो जाता है 6, और इसको 1 से ही गुणा करना है, कोई दिक्कत नहीं है, तो सेम ही रहेगा, 1 और 7 हो जाएगा, 1 और 7 हो जाएगा, इसको हम जोड़ देंगे, 11 10 11 और आपका 6 7 13 हो जाएगा, ठीक है। तो नया जो अनुपात आएगा गाइस वो हो जाएगा 11:13, ठीक है, नया जो अनुपात आएगा कितना हो जाएगा, 11:13। यदि ये आपको ऐसे भी पूछ सकता है 3:1 में या 3:4 में या कौन सा भी अनुपात पूछता है, तो आपको वो सेम प्रोसेस यहाँ तक करनी है जोड़ करके। और यदि आपको 3:4 में पूछता है तो पहले अनुपात को ऊपर वाले को 3 से गुणा और नीचे वाले को 4 से गुणा कर देते हैं, और वही सेम प्रोसेस आप जोड़ कर वहाँ पर जो अनुपात निकलता वो अनुपात यहाँ पर आप ज्ञात कर सकते थे। इस प्रकार ही आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को हल किया जाता है गाइज, ठीक है। अनुपात बहुत ही आपका अनुपात और समानुपात बहुत ही अच्छा एक टॉपिक रहा यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और आगे वाला एक जो क्वेश्चन आया है वो और देखिएगा गाइज, ठीक है, क्यों क्वेश्चन आई आपका, ठीक है। दो बर्तन दिए गए आपको पी व क्यू में, मिश्रण की मात्रा क्रमशः 12 लीटर व 21 लीटर है, दूध व पानी का अनुपात 2:1 व 4:3 है, तो तीसरे बर्तन में मिलाने पर अनुपात ज्ञात करो। अब गाइज यहाँ पे आपको क्वेश्चन के ध्यान देने की बात है लैंग्वेज की, ठीक है। तो आपको क्या बोला गया है कि दो बर्तन पी व क्यू को, पी व क्यू में जो मिश्रण की मात्रा है वो 12 व 21 लीटर है, दो बर्तन है उसके अंदर, एक में 12 लीटर है पी में और क्यू के अंदर आपका 21 लीटर मिश्रण मिला हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हमें दूध व पानी का अनुपात दोनों का बर्तनों का हमें दिया गया है, 2:1 और 4:3 है, और तीसरे बर्तन में मिलाते हैं तो अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को अलग तरीके से करेंगे, ठीक है। पी का जो हमें अनुपात दिया गया है 2:1 और क्यू का दिया गया है 4:3, यानी इनका जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, और यहाँ पे 4 + 3 7 हो जाएगा। तो टोटल जो मात्रा है वो कितनी है, क्योंकि इसमें अनुपात हमने निकाला है 12/3, तो जो पी के अंदर कितना मिश्रण हो गया, 4 हो गया, ठीक है। टोटल कितना था, 12 बोला हुआ है, 12 लीटर, और यहाँ पे जो अनुपात का योग है वो 3 आ गया, तो 12/3 इसको हम डायरेक्ट हल कर लिए हैं, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं 4 + 3, यहाँ पे हो गया आपका 7, और टोटल बोला हुआ है कि 21 लीटर इसके अंदर क्यू के अंदर मिश्रण है, तो 21/7 यानी इसका अनुपात निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा 3। तो जो टोटल हमारे पास आया वो कितना हो गया, 4 और 3 हो गया, ठीक है, यानी 4:3 में हमें वो अनुपात आया है, तो यानी 4:3 का वो मिश्रण तैयार करना है हमें, ठीक है। तो दूध और पानी का हमें दिया गया है 2:1 और 4:3, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2:1 और 4:3। तो पहले को हमें क्या करना है, 4:3 से आपको हमने जो अनुपात निकाला वो इस प्रकार से आया, तो पहले को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे को, और दूसरे को 3 से गुणा कर देंगे, तो कोई भी हमें दिक्कत नहीं होगी, 4 × 8 हो जाएगा यहाँ पे, और 4 × 4 = 4 हो जाएगा, ठीक है, 3 × 12 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 3 × 3 = 9, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4 × 8 और +12 हो जाएगा गाइस, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 4 + आपका हो जाएगा 3 × 3 = 9, 9 × 4 = 13, तो 20:13 जो हमारा है वो नया आंसर आ जाएगा, जो कि नया अनुपात होगा तीसरे बर्तन के लिए गाइस, ठीक है। तो यहाँ इस प्रकार के क्वेश्चन को कंसेप्ट से कर सकते हैं, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था, आपको समझ में जरूर आया होगा गाइस, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हमारा क्यों है जो क्वेश्चन है, पी वाई क्यू में मात्रा क्रमशः 12 लीटर व 15 लीटर है, दूध और पानी का अनुपात 3:1 और 2:1 है, तो नया अनुपात ज्ञात कीजिए। सेम मैंने वही प्रोसेस ऊपर वाला क्वेश्चन सेम का सेम उठाया है, वैसा का वैसा ही, बस अनुपात की मात्रा चेंज की है ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो सके। पी वाई क्यू लिखेंगे इस प्रकार का, यदि क्वेश्चन आता है ये आप यहाँ पर ऐसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ज्ञात कर सकते हैं 3 + 1, क्योंकि इसमें जो टोटल अनुपात है वो तो हमें ज्ञात करना पड़ेगा, 3 + 1 = 4 है, यहाँ पर 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसमें टोटल हमें मात्रा ज्ञात करनी है कि कितना मिश्रण है, अनुपात दिया गया है और इसकी लीटर में मात्रा दी गई है, तो 12/4 यानी इस पी के अंदर कितना है, 3 है, ठीक है, 3 अनुपात आपका इधर हो जाएगा 15,
15 टोटल दिया हुआ है, 3 इसका योग आया तो आपका 3 5 15 यहाँ पे हो जाएगा। तो ये जो नया अनुपात तैयार करना है वो क्या होगा, 3:5 का होगा, ठीक है, 3:5 का होगा। सेम ऊपर वाली प्रोसेस हमें ज्ञात करनी है, पी अनुपात क्यू आ गया हमें, तो पी अनुपात क्यू का मान 3:5 हमारे पास आ गया यहाँ पे, मैंने बताया था आपको, ठीक है। अब दूध व पानी जो हमें मात्रा दी गई, ऊपर अनुपात दिया गया 3:1 है और 2:1 है, तो पहले को तो हमें 3 गुणा करना है और दूसरे को 5 गुणा करना है, तो हम इसको पूरे को 3 से गुणा कर देंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको गुणा करने के बाद में ये हो जाता है 3 3 9, और आपका यहाँ पर 3 आ जाता है, 9 और 3, और यहाँ पर हो जाता है 5 दूनी 10, और यहाँ पे हो जाता है 5, तो 10 9 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 19 हो जाएगा, 10 9 19 हो जाएगा, ठीक है। और 19 होने के बाद में इधर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3 1 3 3 + आपका 5 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं गाइस, 3 + 5 8 हो जाएगा, तो आपका अनुपात कितना है, 19 हमारे पास क्या हो जाएगा, 19:8 हो जाएगा, जो कि एक नया अनुपात हमारे पास तैयार हो गया है। तो तीसरे बर्तन का जो अनुपात होगा वो कितना होगा, 19:8 हमारा राइट आंसर होगा गाइस, ठीक है। इस प्रकार से हम अनेकों क्वेश्चन हल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपका नया एक क्वेश्चन तैयार होगा, वो बहुत ही अलग टाइप का क्वेश्चन होगा गाइस। अशोक व अमित की आय का अनुपात 3:4 है, खर्च का अनुपात 2:3 है, यानी जो वो आय कमाते हैं ना दोनों दोनों के दोनों अशोक और अमित, उनकी जो तुलना करें तो 3:4 का यहाँ पर उनका अनुपात दिया गया है उनकी आय का, और ये वो खर्चे करते हैं दोनों का, खर्च करने का जो मतलब अपने पैसे वेस्ट करते हैं किसी अपने दैनिक कार्य के लिए या किसी भी के लिए, तो उसका अनुपात 2:1 दिया गया है यहाँ पे, यानी ये 2 करता है ये 3 करता है, ठीक है, अनुपात दिया गया है इसका। इसके बाद प्रत्येक की बचत है वो 2,000 रुपये, अब दोनों की बचत है वो सेम है यहाँ पे, दोनों 2,000 रुपये बचाते हैं, तो दोनों की हमें अभी टोटल जो आय है वो हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले हम आय का अनुपात खर्च का अनुपात यहाँ पे लिख देते हैं, अशोक और अमित है, तो 3 और 4 आपका आ गया, यहाँ पे 2:3 आ गया, ठीक है। तो ये सबसे पहले यहाँ पर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा इसमें चेंज करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, तो दोनों अब बचाते कितने, 2,000 रुपये बचाते हैं यहाँ पे, ठीक है, आपके 2,000 रुपये बचाते हैं, तो यहाँ पे 3 को यहाँ से इसका वजन गुणन करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 9 3 3 9 और 4 2 8 है, तो अंतर निकालने के लिए 9 - 8 कर देते हैं, तो अंतर कितना आ गया, 1 आ गया है, अंतर कितना आया आपका, 1 आया है। अब यहाँ पर कितना आया, अंतर 1 आया है, तो हम इसको कितने से गुणा करेंगे, अब इसको यहाँ से और मल्टीप्लाई करेंगे, 2,000 का आपका कितना हो जाएगा, 2 × 2 4,000 आ गया यहाँ पे, और इसको इधर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 6,000, ठीक है। इस प्रकार से आपको कंसेप्ट इसका अलग भी है और कंसेप्ट भी है, यदि आप चाहोगे तो कंसेप्ट और भी मिल जाएगा आपको, लेकिन ये बेस्ट से बेस्ट कंसेप्ट है, डायरेक्ट शॉर्टकट भी है, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना है उसमें, इस मेथड से करोगे तो आसानी होगी। अब यहाँ पर अंतर कितना आया, 2,000 आया है, तो ऊपर कितना आया था इनका अंतर, इनका अंतर यहाँ पर तो 1 आया था, ठीक है। अब इन दोनों का यहाँ पर अंतर निकाला है वो कितना आया है, 2,000 आया है, तो 1 किसका मान हो गया, 2,000 का हो गया, 2,000 वो सॉरी किसका मान है, 1 का मान है, ठीक है, 2,000 किसका मान है, 1 का मान है। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो आपका है, आपका यहाँ पर आ जाएगा गाइस कितना आ जाएगा, 2,000 आ जाएगा, ठीक है, 2,000 रुपये आ गए वापस यहाँ पे, ठीक है, 2,000 आ गए यहाँ पे, ठीक है, 2,000 जो 1 का मान है, मैंने यहाँ पे इसके लिए लिखा है, आप समझ गए होंगे। अब अशोक और अमित है, अब इनका अनुपात कितना है, 3:4 है आय का, ठीक है, तो 2,000 आया है इसकी बचत, तो मतलब अनुपात आ गया इनका, तो 2 × 3 6,000 रुपये अशोक की आय है, और आपकी अमित की जो आय है 8,000 रुपये है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, और ये मेथड आसानी से आपको हर क्वेश्चन के अंदर फॉलो करेगा, इससे करने पर आपको आसानी होगी, दिक्कत नहीं आएगी कहीं पर भी गाइस, आपका आसानी से क्वेश्चन हल हो जाएगा कुछ ही मिनटों में, 1 मिनट भी नहीं लगेगी यदि आपका आसान होता है तो, ठीक है। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, रमेश व राजू की आय का अनुपात, रमेश व राजू की आय का अनुपात 3:2 है, खर्च का अनुपात 5:3 है, प्रत्येक की बचत 3,000 रुपये है, तो प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। सेम 2 2 3 3 क्वेश्चन करवाएं एक ही कंसेप्ट पर, ताकि आपके कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। रमेश और राजू की हमने यहाँ पर अनुपात निकाला 3:2 और 5:3 यहाँ पे हमने लिख दिया है, ये खर्च है उनका, ये बचत है, ठीक है। और यहाँ पर इनको वजन गुणन करेंगे, क्योंकि इसका अंतर हमें निकालना है कि इनकी अंतर कितना आता है। अब 3 3 9 5 2 10, अब ये मत करना कि 9 - 10 अनुपात के अंदर, मैं पहले बता देता हूँ, ये आपको बताया होगा शायद, पहले मैंने नहीं बताया तो कोई बात नहीं, दोबारा बता देता हूँ, माइनस का कभी भी नहीं होता है अनुपात, ठीक है, माइनस के अंदर अनुपात कभी नहीं होता, ये हमेशा ही ध्यान रखना है आपको, अंतर निकालें जी आप कुछ भी करें, अनुपात और समानुपात के अंदर कभी भी माइनस का चिन्ह नहीं होता है, ये आप समझ जाना गाइस, ठीक है। यदि माइनस का चिन्ह आता है तो वो क्या होता है, उसका वहाँ पे मतलब क्या होती है, कमी होती है, ठीक है, यानी उसमें घट रहा है,
तो ये यहाँ पे वैल्यू नहीं होती है, इसके अनुपात के अंदर कभी भी माइनस का चिन्ह नहीं आता है। यदि वो माइनस में आता है तो हमें उसका आंसर जो होता है पॉजिटिव के अंदर ही बताना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे अंतर निकालते हैं हम, तो 3 3 9 × 5 × 2 = 10, तो 9 - 10 होता है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि -1 आएगा, लेकिन ये -1 नहीं होगा कभी भी। अनुपात और समानुपात के चैप्टर में हमेशा ही ध्यान रखना है वो आंसर एक ही होगा, ज़्यादा में से कम को घटाना है। तो अब ज़्यादा तो यहाँ पर 10 है, तो 10 में से 9 घटाएंगे, तो अनुपात के अंदर ये ध्यान रखना है हमेशा ही, ठीक है। तो इसका अंतर हमने यहाँ पे 1 लिख दिया है, और दोनों 3 3 हज़ार रुपये यहाँ पे आपके क्या करते हैं, बचत करते हैं 3 हज़ार की। तो यहाँ पर जो इनका अनुपात निकालेंगे इनके साथ खर्चे के अनुसार भी, ये आपको क्या था खर्च और आपका जो आपका निकाला था कि कितना व्यय करते हैं अपना, ठीक है, खर्च करते हैं और कितनी अपनी बचत करते हैं, इसके साथ भी अनुपात निकालेंगे, और उनकी जो आय का अनुपात है वो भी इनके साथ निकालेंगे। तो गाइज यहाँ पर हम इसको तो अनुपात जो इनका अंतर तो निकालिए, अब इनका अंतर निकालेंगे तो क्या अंतर आएगा देखिएगा। 5 3 15 15 हज़ार रुपये हो गए, और 3 3 9 9 हज़ार हो गए। अब इसमें से अंतर निकालेंगे तो ये कितने का अंतर है, यहाँ पे 6 हज़ार का अंतर है। तो 6 हज़ार है वो किसकी वैल्यू, एक है, ठीक है। एक के ऊपर कितना अंतर आपका 6 हज़ार है, एक के अंतर एक के ऊपर कितने का अंतर है 6 हज़ार रुपये का है, ठीक है। यदि यहाँ पे 2 आ जाता, ठीक है, इनका अंतर यदि 2 आ जाता तो यहाँ पर 2 का भाग लगता। यदि 2 किसका मान, जो आपका क्या होता 6 हज़ार किसका मान है, 2 का मान होता है यहाँ पर फिर, ठीक है। यदि यहाँ पर अंतर 1 आया है लेकिन 2 आ जाता, 3 भी आ सकता था, कितना भी अंतर आ सकता, 6 आता तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 हज़ार हो जाती। इस प्रकार से अंतर कितना भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर अंतर फिर से कितना आ गया, 1 आ गया है, ठीक है। तो 6 हज़ार हो गया। अब 6 हज़ार से इसका जो आय है टोटल उसको हम गुणा कर देंगे, क्योंकि इनका अनुपात कितना है 3:2 है आय का। तो पहले का जो है 6 हज़ार × 3 से गुणा कर देंगे तो 18 हज़ार आय होगी इसकी, और दूसरे को 2 से गुणा कर देंगे तो राजू की आय कितनी हो जाएगी, 12 हज़ार आय हो जाएगी गाइस, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो थोड़ा अलग से होगा और लास्ट क्वेश्चन होगा गाइस इसका, आपका अनुपात और समानुपात के अंदर, ठीक है। एक बैंक में, एक बैंक के अंदर क्या है आपका, 1 रुपये है, 50 पैसे हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। सिक्कों की संख्या का अनुपात 5:7:9 है, कुल रुपए आपके 430 है। तो 50 पैसे के जितने भी सिक्के हैं उनकी संख्या ज्ञात हमें करनी है। ये बहुत ही एक स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है गाइस, तो इसको आप ध्यान से देखना। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक बैंक के अंदर जो पैसे हैं 1 रुपये के हैं, 50 पैसे हैं और 25 पैसे हैं, ठीक है। हमें कुल जो है यहाँ पे 430 रुपये है। अभी हमको ये जो अनुपात भी दे दिया गया है कि 1 रुपये के सिक्के और आपका 50 पैसे के और 25 पैसे के जो सिक्के हैं इनके अंदर क्या है अनुपात है, वो हमारे पास 5:7:9 है। तो हमें यहाँ पर टोटल ओनली 50 पैसे के सिक्के कितने हैं उनकी संख्या ही ज्ञात यहाँ पे करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें ध्यान देना होगा, मैंने आपको बताया था कि अनुपात होगा उसके अंदर एक ही टाइप के अंदर आपका क्या होना चाहिए। यदि मिश्रण दे रहा है तो लीटर के अंदर हो गया, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन आए थे उनके अंदर, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ गए, रुपए और पैसे आ गए, तो दोनों मिक्स नहीं कर सकते एक साथ, उनका अनुपात कभी भी नहीं बन सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ तो पैसों में बदल दो सभी को, यहाँ रुपयों में बदल दो। तो हमारे पास यहाँ पर पैसों में बदल देते हैं तो आसानी हो जाती है गाइस, ठीक है। पैसों में बदलने के बाद में गाइज आपका क्या होता है, यहाँ पर 1 रुपये या 50 पैसे और 25 पैसे, 5:7:9 दिया गया है, ठीक है। तो 5 × 100 मैंने कैसे लिखा, 1 रुपये के अंदर आपके कितने पैसे, 100 पैसे, तो 5 के अंदर 500 जाएंगे, ठीक है। और इसके अंदर कितने पहले से ही है, 50 × 7 = 350, और यहाँ पे 9 × 25 = 225 हो जाएगा, ठीक है, 225 हो गया। अब इसका जो कैंसिल करने के बाद में बचता है 20 और 14 और 9, आपका ये अनुपात यहाँ पे बचता है, ठीक है। तो जो टोटल जो इनका अनुपात का योग आएगा वो कितना आ जाएगा, 20 + 14 + 9 यानी 43 आ जाएगा, 43 इसका जो है क्या हो जाएगा, 43 43, ठीक है, वो इनके अनुपात का योग आ जाएगा। इस प्रकार हमें क्या करने की, टोटल जो सिक्कों की संख्या है वो हमें दिया गया है, अब 430 है, और यहाँ पर क्या है कि आपका 43 का मान कितना है, 43 का जो अनुपात है वो 430 के इक्वल है, ठीक है, इसका मान है। और जो हमें टोटल जो इसका दिया गया है कि 14, क्योंकि हमें किसका अनुपात ज्ञात करना है, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। यदि हमें 25 पैसों की पूछता तो हम 9 से गुणा करते हैं, यदि 1 रुपये की सिक्कों की पूछता तो हमें क्या करता है, हम 20 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने बता देता हूँ, 430 टोटल है इसका मान, 430 रुपये है टोटल, ठीक है। ये 43 आपका जो क्या है, ये इनका मान है, और 14, ठीक है, ये हो जाएगा 10, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 140। अब 140 रुपये आए हैं, ना कि आपके पैसे आए हैं, कितना आए हैं, 140 यहाँ पर क्या आए हैं, रुपये आए हैं। तो इस बात का ध्यान रखना आपको, 140 आपके रुपये आ गए गाइस, ठीक है। तो 1 रुपये में 50 पैसे की सिक्के कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है।
तो आपके 1 रुपये में 50 पीसे के 2 सिक्के होते हैं, तो 140 रुपये के अंदर कितने सिक्के होंगे, 140 × 2 होंगे, यानी 280 होंगे। तो गाइज इस प्रकार से आप इसके 1 रुपये वाले भी ज्ञात कर सकते थे, 25 पैसे के भी आप ज्ञात कर सकते थे, और आपको ज्ञात भी करना है गाइज, ठीक है। तो गाइज इस सेशन में हमने कंप्लीट कर लिया अनुपात और समानुपात को। तो आपको सेशन अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखिएगा, और चैनल पर पहली बार।